वहाँ तो बहुत परेशानियाँ थी, लड़कियाँ वहाँ नहीं पढ़ नहीं पाती है, अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं निकल सकती है, और जो लोग कहीं तीर्थ वगैरह करने जाते हैं तो लड़कियाँ वहाँ पढ़ी लिखी नहीं है, कभी भटक जाती है तो मुसलमान उनको उठा लेते हैं और धर्म परिवर्तन करवाते हैं लड़कियों को, धर्म परिवर्तन करवाते हैं, इसलिए लड़कियाँ वहाँ बहुत डरती है, इतना डरती है घर से भी बाहर नहीं निकलती है। मैं बचपन में थी, छोटी थी वहाँ, मेरे को कुछ भी वहाँ का याद नहीं है अपने घर के सिवा, क्योंकि वहाँ मैं अपने घर में ही रही हूँ तो मेरे को थोड़ा बहुत वही याद है बस। वहाँ पे परेशान करते थे पाकिस्तान के लोग, यहाँ पे कितने ज्यादा हिंदू थे, कैसे रहते थे आप लोग पाकिस्तान में? वहाँ तो बहुत हिंदू थे, हम जैसे ये बस्ती बन रखी है वैसे ही वहाँ बहुत लोग हैं, कई लोग तो आधे यहाँ आ गए और बहुत हमारे परिवार पीछे, वो भी आना चाहता है लेकिन वो भी आ नहीं आ रहे, उनको मतलब ना वो पासपोर्ट अभी वीज़ा ने मिलने में वो दिक्कत आ रही है, वहाँ अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोग मजदूरी का काम करते हैं, 500 उनको तारीख मिलती है तो वो अपना आटा वगैरह खरीदते हैं, और पैसे उनको मिलते नहीं है तो वो कागजात वगैरह बनवाए, और जो लोग बनवा रहे हैं उनको तो तीन चार चार बार उनने पैसे भरवाए, कागजात जमा करवाए, लेकिन उनको तभी भी वीज़ा नहीं मिल रही। तो भारत आने के बाद किस तरह की राहत आपको लगी कि हाँ आप अपने देश में आ गए हो? हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमें अपने देश में आए और हिंदू भाई और श्री नरेंद्र मोदी ने हमारी इतनी मदद की है, हमारे हिंदू भाई इतने यहाँ आते हैं कैंप में, हमारी मदद करते हैं, हमें आगे बढ़ने का मतलब हौसला बढ़ाते हैं हमारा, और हम तो इनका ही धन्यवाद करते हैं, मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का। तो पढ़ाई जब आप करते थे यहाँ, आपने पढ़ाई की, हाँ किस क्लास से पढ़ाई शुरू करी और अब क्या शिक्षा का स्तर है आपका? मैंने 5th क्लास से की है, पहले 5th क्लास पढ़ी, फिर 6, फिर 7 में और 8 में वो लॉकडाउन था तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी मैंने, फिर 9th से मैं पढ़ रही हूँ अभी, 11th में 10th का बोर्ड दिया था, अब 11th में एडमिशन होगा। यहाँ आगे भविष्य में क्या सोचते हो, क्या बनना चाहते हो? मैं टीचर बनना चाहती हूँ, और मेरा सपना यही है कि मैं यहाँ हमारी महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको थोड़ा बहुत कराऊं, मतलब उनको साइन वाइन करना आना चाहिए, और जो हमारे बस्ती के लोग हैं उन्हें आगे